अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों को विज़िट करवा रही हूँ जर्मनी का यह बहुत ही सस्ता स्टोर है केक, इसका विज़िट करवा रही हूँ। तो आप लोग रहिएगा मेरे साथ। ये जर्मन टेक्सटाइल डिस्काउंट स्टोर है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोथिंग और नॉन फूड आइटम्स वगैरह यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों के टॉयज़ वगैरह यहाँ पे हैं। और इसके अलावा आगे देखें तो आप लोगों को जो है कुछ गार्डन के आइटम्स जो है प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ नज़र आएंगे। समर सीज़न है और इस वजह से इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लेफ़्ट साइड पे ये जो है विंटर के कुछ इन्हों ड्रेस था वो सेल में है सारा स्टफ़। और बेसिकली ये जो किक है KIK या एब्रिवेशन है कुंडे इस्किनिक, इट्स मीन अगर इंग्लिश में हम इसको करें तो द कस्टमर इज किंग। और ये स्टोर बेसिकली जो है बहुत ही यहाँ पे कहने के रीज़नेबल स्टोर है, और बहुत ही आपको चीप यहाँ पे प्राइसेस पे आपको चीज़ें जो है वो अच्छी मिल जाएंगी। और ये स्टोर बेसिकली अच्छा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे विजिटर पे आते हैं या स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए इतना एक्सपेंसिव चीज़ों को बाय करना या अफोर्ड करना उनके बस की बात नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। मैं अभी अंदर जा रही हूँ। ये राइट साइड पे देखें ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये लेफ़्ट साइड पे अम्ब्रेलास हैं, और फिर आगे राइट साइड पे ये जो है कार्ड्स ग्रीटिंग्स कार्ड्स वगैरह डिस्प्ले हुए हुए हैं, और कुछ बाकी अगर इस स्टोर की बात करें तो इसमें ये है कि आप मैं यहाँ पर बहुत काम आती हूँ, लाइक जब कोई जैसे बेसिकली होता ये है ना कि अगर आपको कोई चीज़ इतनी अच्छी जो है रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही है तो क्या ज़रूरत है कि आप दूसरे स्टोर्स पे जाके बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो लाइक उसको भी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैं अभी आप लोगों को कुछ क्लोथ्स वगैरह दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बेसिकली कपड़ों की जो क्वालिटी है लाइक वैसी तो नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बाकी जो स्टोर्स हैं यहाँ पे गारमेंट्स वगैरह के ये वो, लेकिन डिफरेंस तो है। ये मुझे एक अच्छा लगा था, लेकिन इसका थोड़ा गला जो है काफ़ी थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी लूज़ था, तो इस वजह से मैंने इसे रहने दिया, और कुछ साइज़ भी थोड़ा सा फ्री था। और ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक और जो मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ कि जो किक है अपना प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करते हैं जी, तकरीबन इसके सप्लायर्स 500 इसके सप्लायर्स हैं, बांग्लादेश से, चाइना से, टर्की से, और जी पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, पाकिस्तान से। मैंने जब यहाँ पर आई और मैंने जब यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ विज़िट किया तो मुझे यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जो शॉल्स थी उस पर पाकिस्तान का जब मैंने स्टेप देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन माने इतनी खुशी हुई कि मैं वो खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, और अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स से कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो बाकी ये है कि हमें अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। ये जो ब्रांड होता है या दूसरे ममालिक का होता है तो प्रायोरिटी जो है वो अपने कंट्री को देनी चाहिए। ये देखिए मैं आप लोगों को साथ प्राइसेस जो है वो दिखा रही हूँ, और बाकी आप लोग भी देखिए साथ साथ। कलर्स भी अच्छे हैं, समर सीज़न है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे समर जो है उसको एक वायलेट समर के कलर्स हैं। और ये देखें, और लॉन्ग आर्म शर्ट्स भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा जो साइज़ वगैरह है वो भी आपको हर साइज़ जो है उसमें मिल जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे यह है कि कस्टमर जो है यहाँ पे अपना जो कंप्लीट एक आउटफिट है ना वो यहाँ से बाय कर सकता है। लाइक जैसे मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या कुछ जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं या कुछ ऐसे लोग भी जिनका थोड़ा पे का मसला होता है, इनकम कम होती है, तो लेकिन अगर वैसे भी कोई बाय करना चाहता है तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छा स्टोर है। और ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये शर्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये लॉन्ग आर्म शर्ट है और ब्लैक कलर में, मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। मुझे जब भी कुछ बाय करना हो तो कहीं पे भी ना मुझे मेरी टॉप प्रायोरिटी ब्लैक कलर होता है, बस होती है ना हर एक की पसंद। लेकिन हुआ ये कि मुझे इसमें मेरा जो साइज़ था वो मुझे नहीं मिला, बस ये बैड लक हो गई मेरे साथ। और एनी हाउ, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त प्यारा ये कलर है, बहुत डिसेंट सा। और प्राइस भी देखें इसकी,
और इस पे जो पिंक फ्लावर्स हैं प्लस कपड़ा बहुत ज़बरदस्त था, ऊपर से जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक समर का जो है वो एक फीलिंग आती है। और समर में तो वैसे ही बड़े अच्छे लाइट कलर्स जो हैं वो लगते हैं, और विंटर में ही है कि चले डार्क कलर जो है वो सूट करते हैं, आँखों को भी भले लगते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये यहाँ पे जो है कैंडल्स वगैरह हैं सारे डिस्प्ले हुए। और इसके अलावा आगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये शूज़ वगैरह हैं, और इसके बाद सॉक्स हैं यहाँ पे, स्ट्रॉल्स वगैरह हैं, और ये जो है ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं कुछ गार्डन वगैरह के लिए कुछ, या बालकनी वगैरह है तो उसके लिए कुछ डेकोरेशंस के आइटम्स हैं। और ये देखें ये टेबल रनर वगैरह है, टेबल क्लॉथ, टेबल रनर, और इसके अलावा ये आगे बेड शीट्स हैं। और फिर मैं कपड़ों की तरफ आ गई, ये जेंट्स का सेक्शन है, और यहाँ पे ये जेंट्स के जो है यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। ये लेडीज़ का मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला भी, और ये देखें ये कोर है, ये देखें 10 यूरो से इन्होंने ये भी सेल में इसको कर दिया है, लाइक फुल आर्म ये शर्ट्स हैं। और ये भी कुछ तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाइक आँखों को अच्छा लगने वाला है, बहुत ही डिसेंट कलर्स हैं, तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये एक और है, बहरहाल ये है कि यहाँ पे बस अपनी अपनी पसंद की बात होती है मोस्टली, तो कभी साइज़ का मसला आ जाता है, तो कभी जो थोड़ा सा इनका जो नेक वगैरह है वो बहुत ही डीप नेक होती है। और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये 13 से इन्होंने 4 यूरो में किया है, ये भी सेल में है। और इस स्टोर का ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे मौजूद है। और इस स्टोर में जो है मर्दों के, बच्चों के, बड़ों के, हर किस्म के यहाँ पे आपको जो है, बाकी अंडर गारमेंट्स वगैरह हर किस्म के यहाँ पे आपको जो है वो क्लोथ्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा टॉयज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं, और घर के जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आइटम्स वगैरह होते हैं वो हैं यहाँ पे। और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये जो है मर्दों का मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद और बाकी ये जो नेक्स्ट आयल की तरफ बढ़ते हैं, तो हर आयल जो है उसमें कुछ ना कुछ काम का ज़रूर पड़ा हुआ है। ये हैंगर्स वगैरह हैं, और इसके अलावा ये देखें ये भी जो है टेबल रनर है, और ये सारे अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं। और जी ये आगे है तो ये सारे टॉवल्स पड़े हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे जो दोनों आयल्स हैं इनमें सारा जो है वो बाकी जो आप कह लें कि किचन बास्केट्स वगैरह हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है कुछ, और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइज वगैरह हैं यहाँ पे, और बाकी ये जो है कुछ क्लीनिंग आइटम्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, और किचन के आइटम्स भी हैं। तो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ आपको 1-2-3 में मिलेगी सपोज़, तो बाकी आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पे सारे मैं आपको क्लीनिंग सप्लाइज दिखा रही हूँ, और इसके अलावा ये बेकिंग के यहाँ पे ट्रेज वगैरह हैं। और बेसिकली मैं जो ये बेकिंग के जो ट्रेज हैं ये वो मैं यहीं से बाय करती हूँ। और आगे कटिंग बोर्ड्स वगैरह आप देखें, स्ट्रेनर आपको नज़र आ रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे, फिर आपको गार्डन का जो आइटम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये सारा डिस्प्ले हुआ हुआ है। और बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि यूज़लेस है, सभी चीज़ें बहुत इस्तेमाल की हैं और बहुत काम में आने वाली हैं। और फिर
फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, फिर सॉक्स वगैरह इस तरह से सेक्शन लैदा है, बच्चों के, बड़ों के, मर्दों के, औरतों के, सभी के सेक्शन लैदा है। और ये जो चीज़ें पड़ी हैं जो यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के जो घर में पैट्स हैं उनमें जो है वो डॉग जो है वो एज़ अ पैट रखा जाता है, तो उसके यहाँ पे जी फिर सारे उसके जो है वो एक्सेसरीज पड़े हुए हैं। और बाकी ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लास्टिक बॉक्सेस वगैरह हैं, और ये आप लोग देखें आगे इस तरीके से टिश्यूज़ हैं, और बाकी ये देखिए जार्स वगैरह पड़े हुए हैं सारे, और नीचे भी स्ट्रेनर्स वगैरह हैं, और दूसरी बास्केट्स हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और बाकी ये भी जो एयर टाइटनिंग जार्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, कैंस हैं, कैटल्स हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूज़लेस है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और ये बाकी स्टेशनरी का सामान है, कलर्स हैं बच्चों के और कॉपीज़ वगैरह, कलर्स हैं, पेपर्स हैं, मार्कर कलर्स हैं, और इसके अलावा सीज़र, जो भी जितना भी स्टेशनरी के जो आइटम्स होते हैं जो एक बच्चे को स्कूल वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। कुछ यहाँ पे डेकोरेशंस के भी हैं, जैसे लाइक कुछ बच्चियों को शौक होता है कि, और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, न्यू बॉर्न बेबीज़ का सेक्शन है, और ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला सेक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये सारा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ का ये सेक्शन है, उनके यहाँ पे जितने भी एक्सेसरीज हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के। और ये देखिए आप लोग मेरे साथ, और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की जो वीडियो है कैसे लगी, और ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये सारे न्यू बॉर्न बेबीज़ के शूज़ हैं, सॉक्स हैं, और लेसन हैं इनके, और ये देखिए। बाकी फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे थे आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाया, और ये देखें ये भी टॉडलर्स के हैं ये कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले हुए। और बाकी ये कुछ गिफ्ट पेपर्स वगैरह हैं, रैपिंग शीट्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, तो कुशन्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, ये देखिए मैं आप सारे कुशन्स दिखा रही हूँ, और कुशन कवर्स वगैरह हैं, और बाकी ये बच्चों के टॉयज़ हैं, और बाकी ये है कि यहाँ पे बहुत ही वही बात है, रिजनेबल प्राइस है, और क्वालिटी जो है वो भी ठीक है इनकी। तो ये सारा पार्टी जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे हैं कि डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, स्पून्स हैं, और यहाँ पे, और बाकी ये डेकोरेशन के आइटम्स हैं, सपोज बर्थडे वगैरह हो तो या पार्टी वगैरह हो तो आप यहाँ पे, ये टिश्यूज़ वगैरह हैं, पार्टी टिश्यूज़ हैं, और सारे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और कुछ ये ईटेबल्स हैं यहाँ पे, और फर्दर ये सारे जो हैं ये बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं। तो अपना रखिए बहुत सा ख्याल, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जो लोग नए हैं सैम व्लॉग्स पे वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।